अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे सफ़र में ले जाने वाली आलू गोभी मटर की सूखी सब्जी, जिसे हम सफ़र में ले जा सकते हैं और ये ख़राब भी नहीं होता है। और आप इसका एक बार लुक देखिए, देखने में काफ़ी टेस्टी दिख रहा है। इस सब्जी को आप पूरियों के साथ, पराठों के साथ, जो भी आपको पसंद हो आप उसके साथ इसे सर्व कर सकते हैं और ये ख़राब भी नहीं होता है। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1/2 kg कॉलीफ्लावर लिया है, फूल गोभी, इसे हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और बड़े साइज का हमने इसे काटा है। धो करके इसका पानी हमने स्ट्रेन कर लिया है। यहाँ कुछ मसाले लेंगे, 1/4 teaspoon के करीब हमने यहाँ पर हींग लिया हुआ है, डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो यहाँ पर हमने 8 से 10 कलियाँ लहसुन की ली थी, इसे हमने ग्रेट कर लिया है। 1/2 teaspoon अजवाइन लिया है हमने, 1/2 teaspoon जीरा है। यहाँ पर हमने 1 cup हरा मटर लिया है। पर हमने आलू लिया हुआ है, आलू के छिलके अलग करके उसे हमने धो लिया है। यहाँ पर हम लेंगे कुछ स्पाइसेस, तो 1/4 teaspoon हल्दी पाउडर, 1 teaspoon धनिया पाउडर, 1 teaspoon हम लेंगे लाल मिर्च पाउडर। मिर्च की क्वांटिटी अपने हिसाब से रखिए। नमक लेंगे, नमक भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिए। तो चलिए अब हम कुकिंग शुरू करते हैं। तो कुकिंग के लिए हमने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल लिया है, 3 teaspoon। तो गैस की फ्लेम हमने हाई रखा था, ऑयल काफ़ी अच्छी तरह से हीट हो चुका है। तो अब इस स्टेप पे हम गैस की फ्लेम को लो करेंगे और इसमें हम सभी खड़े मसाले डालेंगे ऑयल में। 20 से 25 मिनट तक हम इसे ऐसे ही पकने देते हैं सभी खड़े मसालों को, ताकि इसका फ्लेवर ऑयल में आ जाए। उसके बाद हम आलू इसमें डाल देते हैं। और अब ध्यान रखें, गैस की फ्लेम हमें लो रखना है। इस स्टेप पे अगर मसाले जल जाते हैं तो पूरी सब्जी का टेस्ट बिगड़ जाता है, टेस्टी नहीं बनता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। तो आलू को डालने के बाद हम चलाते हुए इसे 2 मिनट भून लेते हैं। उसके बाद हम इसे कवर कर देंगे ताकि आलू थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट के लिए हम कवर करेंगे और गैस की फ्लेम लो रखेंगे। यहाँ पर आलू की साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो हमने इसे कवर कर दिया है 5 मिनट के लिए। चलिए अब हम मिलते हैं 5 मिनट के बाद। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट हो चुका है और आलू पर काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है और खड़े मसालों की काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। और लहसुन की क्वांटिटी हमने थोड़ी ज़्यादा ली थी, तो उससे और भी अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो इसमें ग्रेट किया हुआ अदरक भी डाल सकते हैं, बट हमने नहीं यूज किया है, यहाँ पर सिर्फ लहसुन यूज किया है। अब हम इसमें फूल गोभी भी ऐड कर देते हैं। और गोभी काटते समय आप इसका साइज़ थोड़ा बड़ा रखें, वरना जब हम छोटे साइज़ का इसमें बनाते हैं तो काफ़ी जल्दी वो टूट जाता है, क्योंकि हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। बिना पानी का ये सब्जी हम बनाएंगे और ना ही हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, क्योंकि हमें सूखी सब्जी बनानी है और हम ये सफ़र के लिए बना रहे हैं, तो लंबे टाइम के लिए हम इसे स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मटर लिया है, मटर पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें वरना आप इसे स्किप कर दें, बिना हरे मटर के भी बना सकते हैं। तो अभी हम इस वक्त हरे मटर भी इसमें ऐड कर देते हैं ताकि साथ में वो भी सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर गोभी काफ़ी अच्छी तरह से भुन चुका है ऑयल में। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सभी सूखे मसाले डालेंगे जो हमने लिया था, धनिया और मिर्च और हल्दी पाउडर जो हमने लिया था। तो 50% तक हम आलू को पहले ही कुक कर चुके हैं, जो 50% बाकी है वो गोभी के साथ कुक हो जाएगा। तो सभी मसालों को हम अच्छी तरह से पहले मिक्स कर देते हैं। और ध्यान रखें, अब गैस की फ्लेम लो रखें। अब हम इसमें नमक डाल दिए हैं, तो गोभी से और हरे मटर से भी पानी रिलीज होगा, तो उसी में हमें इसकी कुकिंग करनी है, हमें एक्स्ट्रा पानी वगैरह इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, यहाँ पर मसाले काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसे कवर कर देते हैं और बीच बीच में हम इसे स्टर्न करते रहेंगे, चलाते रहेंगे। तो फिलहाल हम इसे 5 मिनट के लिए कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुका है, एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। तो हम 10 मिनट के लिए टोटल इसे कवर करेंगे, बीच में हम 3 से 4 मिनट के बाद इसे चेक करते रहेंगे ताकि जले नहीं। तो यहाँ पर देखिए टोटल 10 मिनट हो चुका है इसे कुक करते हुए। 5 मिनट के लिए हमने इसे पहले कवर किया था, तो 15 मिनट हो चुका है और 15 मिनट में काफ़ी अच्छी तरह से कुक हो चुका है। यहाँ पर देखिए इसकी भुनाई काफ़ी अच्छी तरह से हुई है, ऑयल पूरा अलग हो चुका है। बीच में हमने इसे 2 से 3 बार स्टर्न किया था, चला लिया था,
और इस बात का आप ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम हमें लो ही रखना है। इसमें से काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इसे और चटपटा बनाने के लिए थोड़ा हम हरी मिर्च ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हमने मोटी वाली हरी मिर्च ली है, वो ऐड करेंगे और आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो मसाला डालते समय भी आप आमचूर पाउडर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें टमाटर वगैरह नहीं ऐड किया है, तो इसलिए हम आमचूर पाउडर इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पर देखिए आलू काफ़ी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है, गल चुका है, फ्लावर भी काफ़ी अच्छी तरह से गल चुका है। तो इस स्टेप पे हम 1/4 टीस्पून के करीब इसमें होममेड गरम मसाला ऐड करेंगे। आप इसकी जगह पर कोई सा भी गरम मसाला ले सकते हैं। और इसे चटपटा सा टेस्ट देने के लिए आमचूर पाउडर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसमें 1/2 लेमन का जूस भी डाल सकते हैं। और हम इसे हल्के हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हम 1 मिनट के लिए इसे कवर करेंगे, ताकि सभी जो मसालों का फ्लेवर है वो सब्जी में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। तो है ना काफ़ी इजी सी रेसिपी, और हमने आपके साथ बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीके से इसकी रेसिपी शेयर की है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। यहाँ पर 1 मिनट हो चुका है और मसाला काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है सब्जियों से। इसमें हम थोड़ा सा धनिया पत्ते डाल देते हैं। और इस स्टेप पर हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और हम इसे डिस आउट कर लेंगे। तो आप लोग भी इस मेथड को फॉलो करते हुए इसे ट्राई करें और आप इसे सफ़र में एंजॉय करते जाएं और हमें भी दुआओं में याद रखें। तो चलिए अब हम इसे डिस आउट कर लेते हैं। तो ये सब्जी आप सादी रोटी या फिर पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बट हम इसके साथ पूरियां बनाएंगे। पूरियों के साथ आप इसे जब खाएंगे तो और भी टेस्टी लगता है। वैसे हमने इसमें लहसुन और अजवाइन और हींग की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा डाली है, जो डाइजेशन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। आप बिना झिझक के पूरियों के साथ खाइए, काफ़ी मज़े की लगेगी ये डिश। तो चलिए झटपट से हम पूरी बना लेते हैं। तो पूरी के लिए हम यहाँ पर 1 कप आटा लेंगे और 1 कप मैदा लेंगे। आप चाहें तो सिर्फ गेहूँ के आटे से भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमने 1/2 कप दोनों लिया है। इसमें हम नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के करीब। हम जीरा लेंगे 2 टीस्पून। इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम आटा गूंद लेते हैं, जिस तरह नॉर्मल तरीके से हम आटा गूंदते हैं। और छोटी छोटी चलिए हम पूड़ियाँ बना लेते हैं। चाहे तो बड़ी रोटी बनाकर आप इस तरह से कटर से काट भी सकते हैं, तो काफ़ी जल्दी हो जाता है। यहाँ पर देखिए ऑयल हम पहले ही हीट होने के लिए रख दिए थे। ऑयल काफ़ी अच्छी तरह से हीट हो चुका है और किस तरह गुब्बारे की तरह पूड़ियाँ फूल रही हैं। जब कभी भी आप पूड़ी फ्राई करें तो आप ऑयल पहले अच्छी तरह से हीट कर लें। तो इस तरह से जब हम पूड़ी फ्राई करते हैं, इसे छानते हैं, तो ये ऑयल सोक नहीं करता है और इस तरह से पूड़ियाँ फूलते जाती हैं। इसी तरह हम सभी पूड़ी फ्राई कर लेंगे और गर्मा गर्म आलू गोभी की सब्जी के साथ हम इसे इंजॉय करेंगे। जब आप इसे एक बार खाएंगे ना तो बार बार बनाना चाहेंगे, इतना डिलीशियस बनता है। तो गाइस अगर आपके रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियो के आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।